हेलो दोस्तों, मैं हूं गणेश। आप सबका स्वागत है गणेश टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं अगर आप कहीं फंसे हुए हो या तो आप गांव जाना चाहते हो, किसी प्रदेश में हो, तो उसके लिए न्यूज लाया हूं। कंफर्म नहीं है, लेकिन एक रेलवे की तरफ से एक न्यूज आ रही है, उसके न्यूज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, पूरा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से ये न्यूज आ रही है कि रेलवे ने टिकट देना कंफर्म कर दिया है और उसमें कुछ परसेंट टैक्स ले रहा है, 30-40 रुपया टैक्स ले रहा है। तो अगर की बात मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर 15 अप्रैल 2020 से ट्रेन चलने लगेगी तो आपको किन किन चीज़ों की, क्या क्या चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा इस बीमारी के कारण, इस महामारी के कारण, तभी आप सफ़र कर पाओगे, उसी विषय में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपका टिकट पहले से ही 1-2 महीना पहले ही करवा रखे हैं कंफर्म टिकट, तो ट्रेन चलेगी तब की बात बता रहा हूँ, नहीं चलेगी उसकी भी बात बताऊँगा। लेकिन जब आपकी ट्रेन चलेगी तो उसमें आपको जिस प्रकार से फ्लाइट में सफ़र करते हैं लोग बार, उस प्रकार से 2 घंटा या तो 4 घंटा पहले रेलवे स्टेशन आपको पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पहुँचने के बाद आपको रेलवे की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा मास्क एंड ग्लव्स, उसको वहाँ पे ख़रीदना पड़ेगा। वो रेलवे वाले वहाँ पे बेच रहे होंगे, तो उसको आपको ख़रीदना पड़ेगा। उसके बाद आपकी मेडिकल होगी, वहीं पे मेडिकल टीम खड़े रहेंगे, उसके बाद वहाँ पे मेडिकल होगी। मेडिकल होने के बाद अगर आप सक्सेस हो जाते हो, मेडिकल में पास हो जाते हो, तो आपको बैठने के लिए ट्रेन में ले जाया जाएगा। और दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, ट्रेन में जहाँ 4 आदमी सफ़र करते थे, 2 सीट जो साइड में और इधर उधर के 2 सीट होते थे, उसमें सिर्फ 2 ही आदमी को बैठने दिया जाएगा। ये है कुछ ताज़ा अपडेट रेलवे की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कंफर्म करना चाहूँगा कि अगर आपका टिकट नहीं है तो मत जाओ, जिस जगह पे हो उसी जगह अपने सेफ्टी बनाए रखो। कुछ दिन की बात है, कम से कम 30 अप्रैल तक ये लॉकडाउन हट जाएगी, जहाँ तक उम्मीद लग रहा है। उसके बाद ही आप सफ़र कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ईजी से। अभी दोस्तों क्या है कि इस बीमारी के कारण सब पैसेंजर को इसी प्रकार से परेशान किया जाएगा। अगर आपकी तबीयत ख़राब नहीं भी है तो भी आपको इस प्रकार से मेडिकल किया जाएगा, तो आप इरिटेशन होके परेशान हो सकते हो। अगर यहाँ आप तो चढ़ने की बात बता रहा हूँ, चढ़ के यहाँ पे जहाँ कहीं जाना चाहते हो वहाँ जाओगे, वहाँ उतरने के बाद आपकी फिर से मेडिकल होगी। और अगर आपकी गाँव में रहते हो तो गाँव से भी लोग बार आपको उठा के ले जाने की आशंका है, क्योंकि दोस्तों आप प्रदेश से जा रहे हो, तो वहाँ भी आपकी दोबारा मेडिकल होगा। उसी के बाद आपके गाँव में या तो जिस भी शहर में रहते हो वहाँ तक आपको रहने दिया जाएगा। ये है दोस्तों सारे रूल एंड रेगुलेशन। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये रूल अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार एक लाइक जरूर कर दे हमारे वीडियो को। चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को, चैनल को, और एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों यारों को ज़रूर शेयर करें हमारे वीडियो, ताकि वो भी समझें रेलवे के रूल और सफ़र करें। तो यही था दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। यार प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके इसी प्रकार का न्यूज देखने के लिए हमेशा वो एक घंटी को प्रेस कर देना। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।